चलो इस जो सेशन है इस सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, आई होप कि ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। साउंड वेव्स है 350 मीटर थ्रू ए वार्म एयर। हम सबको पता है कि साउंड की जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो हमारे पास एक 350 मीटर पर सेकेंड वार्म एयर गर्म हवा है, ये एयर है जिसका टेम्परेचर हाई है, ये एयर है, इसमें साउंड की स्पीड आपको 350 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड चल रही है, प्रोपगेट चल रही है एंड 350 मीटर थ्रू ये ब्रास। ब्रास क्या है, एक मेटल है, तो मेटल में जो साउंड की स्पीड है वो 3500 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा क्योंकि मेटल में ज़्यादा होता है गैस से। अब वेव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज़ है। अब ये कहता है कि जैसे ही इंटर फ्रॉम एयर टू ब्रास, जैसे ही साउंड एयर से ब्रास में इंटर करेगी तो उसकी जो वेव लेंथ है कितना फैक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा डिपेंडिंग अपॉन, ऑप्शन को चेक करके हमें बताना है। क्या ये सच है कि ये एयर जो है वो जो साउंड है वो और वार्म एयर से ब्रास में जाएगी तो क्या उसका वेवलेंथ चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। वेवलेंथ चेंज, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं, फ्रीक्वेंसी एयर में भी यहाँ थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी 700 थी और फ्रीक्वेंसी ब्रास में भी 700 रहेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, बीच में फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी वही चेंज कर सकता है जो सोर्स जो साउंड जनरेट किया है, जो ऑसिलेटर है जिसकी वजह से साउंड पैदा हुआ है वही चेंज हो सकता, वही चेंज कर सकता है फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बात क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो चलो स्पीड का फार्मूला लिख दो, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। इसी को दो बार लगा दो, एक बार एयर में लगा दो, एक बार ब्रास में लगा दो। चलो तो स्पीड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इन एयर, बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब ब्रास में अगर निकालना है तो स्पीड इन ब्रास लैम्डा में निकालना ना, तो ये लैम्डा कितने फीट, तो लैम्डा इन ब्रास डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एयर इज इक्वल टू स्पीड इन ब्रास एंड डिवाइडेड बाय स्पीड इन एयर वार्म एयर। तो लैम्डा इन जो ब्रास में जो लैम्डा आ जाएगा वो स्पीड ब्रास में कितना है यार, 3500 और ये 350 और मल्टीप्लाइड को काट लो, जीरो ने जीरो को 35 ने 35 को, इज इक्वल टू 10 टाइम्स लैम्डा इन वार्म एयर। मतलब जो ब्रास में जो वेव लेंथ होगा वो एयर का 10 टाइम्स होगा, मतलब बढ़ जाएगा यार, इंक्रीज हो जाएगा कितना, 10 टाइम्स बराबर। और वैसे भी यार अगर स्पीड बढ़ी है, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसको तुम बड़े आराम से लगा सकते हो, स्पीड अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा भी तो बढ़ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता, सेकंड भी कभी सही नहीं हो सकता बराबर है। अब जब 50-50 आ गया तो उसको सॉल्व करके कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे और भी क्वेश्चन है और भी हम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।